To the channel Acharya Ji Online. Please subscribe the channel and press the bell icon. Purvatam Bhratra Vaginyacha Aham Sanskrita Acharya Ravindra Narayan Jha Sarasati Vidya Mandiram Sitamadhi Adya Mama Shastha Kalansa Hasti Aham Purvam Prathamam Patham Patitvan Tadantaram Dvitiyam Patham Patitvan Dvitiye Pathe आसीत आस्ताम आसन अस्ति अस्तः संति अस्धातु रूपाणि हम वार्तालाप में भवंतम उक्तवान कथितवान अवबोधितवान च इतः परम अस्मिन् पाठे प्रश्नोत्तर कार्यमस्ति अभ्यासा तो प्रथम अभ्यास तो लेखनम नास्ति लेखनीयम नास्ति द्वितीय अभ्यास अस्ति कोष्ठके दत्तानां पदानां साहाय्येन वाक्यानि रचयतु अथ दूरदर्शनम संगणकम दूरभाषा कार्यानम अश्व कुक्कुरा धेनव अजा सेवका बांधवा इत्यादि शब्द सन्ति यथा उदाहरणमस्ति पूर्वम अहम धनिक आसम पहले मैं धनी था आसम उत्तम पुरुष के एक वचन में है पहले मैं धनी था तदा तब पहले मैं धनी था तब मेरे पास क्या क्या था कौन कौन सी चीजें थी पहले मैं धनी था तो आसम हो गया आसम आस्व आस्म लंग लकार में इस पाठ में लंग लकार का ही प्रयोग है लंग लकार का मतलब होता है भूतकाल अब देखिए पूर्वम मम धन का आसम पहले मैं धनी था तदा तब मम गृहे दूरदर्शनम आसीत मेरे घर में दूरदर्शन था दूरदर्शन मतलब टीवी मेरे घर में दूरदर्शन था आगे दिया हुआ है खाली स्थान तो खाली स्थान में होगा मम गृहे यहाँ पर होगा संगणकम संगणकम आसीत संगणकम मतलब कंप्यूटर मेरे घर में कंप्यूटर था ये भी ध्यान रखना है ये वाक्य जो है सब एक वचन में है मम गृहे दूरभाषा मम गृहे दूरभाषा आसीत दूरभाषा मतलब मोबाइल टेलीफोन भी मेरे घर में टेलीफोन था इसके बाद है कार्यानम मम गृहे कार्यानम आसीत मेरे घर में कार था मैंने चारों समझा दिया क ख ग घ मम गृहे कार्यानम आसीत मेरे घर में कार था ये सब एक वचन में है मैं घ तक लिखा दिया था इसके बाद है मम गृहे खाली स्थान है मम गृहे अश्व आसीत मेरे घर में घोड़ा था इसके बाद जो वाक्य आएगा इसके बाद जो जो भी वाक्य आएंगे वो बहुवचन में है जैसे उदाहरण है च में मम गृहे कुक्कुराह मम गृहे कुक्कुराह आसन मेरे घर में कुत्ते थे ये बहुवचन में है कुक्कुराह भी बहुवचन में है और आसन भी बहुवचन आसीत का ही बहुवचन में आसन है छ में अब पहले वाक्य पांच वाक्य था एक वचन में बाद वाले पांच वाक्य जो है वो बहुवचन में है मम गृहे धेनवः आसन धेनवः मतलब गायें मम गृहे धेनवः आसन इसको खाली स्थान को लाइन खींच देंगे छ इसके बाद ज है ज में मम गृहे अजाह मम गृहे अजाह अजाह मतलब बकरियां अजाह अजाह अजह अजह अजाह अजा अजे अजाह पुलिंग के और स्त्रीलिंग के दोनों के बहुवचन में अजाह ही होगा मेरे घर में बकरियां थी मेरे घर में बकरे थे दोनों होगा ये हो गया झ में
इसके बाद है मम गृहे, मेरे घर में, मेरे घर में सेवका, सेवक कहते हैं नौकर को, सेवका आसन, मेरे घर में नौकर थे। इसके बाद है मम गृहे बांधवा, मम गृहे बांधवा आसन, यह हो गया। फिर एक बार देख लीजिए, पहले एक वचन में था, अब यहाँ से बहुवचन में है। मम गृहे कुकुराह आसन, मेरे घर में कुत्ते थे, आसीत का बहुवचन में आसन होगा। मम गृहे धेनवः आसन, मेरे घर में गायें थी। मम गृहे अजाह आसन, मेरे घर में बकरियाँ थी। मम गृहे सेवका आसन, मेरे घर में नौकर थे। मम गृहे बांधवा आसन, मेरे घर में भाई बहन, भाई बंधु इत्यादि थे। यह प्रश्न जो है एक वचन और बहुवचन का है, आप इसको अभ्यास कर लेंगे। इसके बाद में फिर हाँ, इधर मैं दो प्रश्नों का उत्तर लिखा दिया। इतः परम तृतीय प्रश्न अस्ति, कोष्ठकं दृष्ट्वा कः कदा कुत्र आसीत्। पूर्वं पश्यन्तु, सुखेश्वरः दशवादनं विद्यालयः, रेखा एकादशवादनं क्रीडांगनं, कुमारः द्वादशवादनं गृहं, अहं सप्तवादनं ग्रंथालयः, वयम् अष्टवादनं मंदिरं, महिलाः चतुर्वादनं उद्यानम्। अत्र लंग लकारे वाक्यानि अहम् रचयित्वा भवन्तम् अवबोधयिष्यामि। यथा अस्ति, सुखेश्वरः दशवादने विद्यालये आसीत्। सुखेश्वरः दशवादने विद्यालये आसीत्। एवं प्रकारेण रेखा, अग्रे अस्ति रेखा एकादश वादने क्रीडांगने क्रीडांगने आसीत्। प्रश्न अस्ति कह कदा कुत्र, कौन कब कहाँ है। कौन ये हो गया, कब ये हो गया, कहाँ यह हो गया, कहते ये नाम हो गया, समय हो गया, स्थान हो गया। यह रेखा एकादश वादने क्रीडांगणे आसीत्। रेखा 11 बजे खेल के मैदान में थी। इसके बाद मैं आपको ग लिखूंगा। कह कदा कुत्र, कौन कहाँ कब, और अस धातु का जो लंग लकार का रूप है उसका प्रयोग इसके माध्यम से हम बता रहे हैं। गौ में है खाली स्थान भरना, कुमार द्वादश वादने, गौ में कुमार है, कुमार द्वादश वादने गृहे था, गृहम था, तो गृहे गृहे आसीत। कुमार 12 बजे घर में था। इसके बाद है घ में अहम। अब देखिए ये सब था प्रथम पुरुष में, अब आ गया उत्तम पुरुष में। अहम सप्तवादने 7 बजे, अहम सप्तवादने ग्रंथालय पुस्तकालय में, ग्रंथालय आसम। मैंने आपको पहले समझाया था आसीत आस्ताम आसन, ये है प्रथम पुरुष में। अब अभी जो मैं वाक्य लिखा हुआ ये उत्तम पुरुष में है, एक वचन में होगा, अहम सप्तवादने ग्रंथालय आसम। उत्तम पुरुष रहेगा, मैं के साथ आसम होगा, मैं 7 बजे ग्रंथालय मतलब पुस्तकालय में था। अंग में है वयम, और अहम का ही बहुवचन में वयम होता है। वयम अष्टवादने 8 बजे, वयम अष्टवादने मंदिरे। अब देखिए प्रथम पुरुष के बहुवचन में था,
आसन और प्रथम पुरुष के आसन था, अब यहाँ वयम जो है उत्तम पुरुष का बहुवचन है, वयम के साथ रहेगा आसम। आसम एक वचन में है और आसम बहुवचन में, हम सब 8 बजे मंदिर में थे। अंतिम है चौ में, अंतिम है महिला, महिला 4 बजे है तो होगा चतुर्वादने, महिला चतुर्वादने उद्यानम, उद्यानम मतलब होता है बाग, क्या होगा उद्याने। महिला देखिए वयम था उत्तम पुरुष में तो आसम हुआ, यहाँ महिला प्रथम पुरुष में है तो क्या हो जाएगा फिर आसन, फिर वही आ गया आसम आसित आसाम आसन, ये मैंने समझा दिया आसित आसाम आसन। अब अंत में मैं आपको बताऊंगा संधि विच्छेद, पाठ में पाठ के अंतर्गत 3 संधि विच्छेद है, वो तीनों को मैं आप बता दूं। 3 संधि विच्छेद है, जैसे एक है जन्मदिन, जन्म दिनोत्सव, इसका हम विच्छेद करेंगे तो होगा जन्मदिन जोर उत्सव, इसको याद करना है। दो और है प्रत्यागत बंत, प्रत्यागत बंत इसका होगा प्रति जोर आगत बंत, प्रत्यागत बंत मतलब होता है लौटना। इसके बाद एक अंतिम है, अंतिम है इत्यादय, इत्यादय होगा इति जोर आदय। इस प्रकार जो है आपका द्वितीय पाठ संपन्न हुआ, आप दोनों प्रश्न उत्तर याद करेंगे, संधि विच्छेद भी याद करेंगे। अब गृह कार्य, अब गृह कार्य मैं दे रहा हूं प्रश्नोत्तरम, इसको सुंदर सुंदर अक्षर में अपने फेयर कॉपी में लिखेंगे, प्रश्नोत्तरम लिखतु स्मरतु क्या। इस प्रकार मेरा आज 6ठा लेसन हुआ, दूसरा पाठ भी समाप्त हो गया। अब अष्ट धातु का रूप लटलकार में लंगकार में याद करेंगे, शब्दार्थ याद करेंगे, प्रश्नोत्तर याद करेंगे, अभ्यास करेंगे, फेयर में लिखेंगे और जब विद्यालय खुलेगा आप कॉपी मुझे दिखाएंगे, मैं इसका संशोधन करूंगा। इतः परम आशा अस्ति यद् भवन्तः गृहे ध्यानेन पठन्ति एव, यानि यानि कार्याणि भवन्ति, ये ये पाठाः पाठि पाठयन्ति आचार्यैः, तेषां सर्वेषां पाठानां भवन्तः अभ्यासं करिष्यन्ति इति आशा अस्ति। धन्यवादः।